नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे बहात यानी मायरा। एक भाई होता है, उसका फर्ज ये होता है कि जब उस बहन की लड़कों की शादी होती है तो वो मायरा बनता है। तो वो आपको हम दिखाएंगे, हमारे राजस्थान की एक परंपरा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। नमस्कार साथियों, तो आज का ब्लॉग है हमारा बात का, मनीष है जो तैयार हो चुका है। तो मनीष क्या कहना चाहोगे, रेडियो? अच्छा, आप लोग बने रहिए, आपको बात करें। यानी हमारे राजस्थान के अंदर मायरा बोलते हैं इसको, तो वो दिखाएंगे आपको। और देखो क्या क्या विवेकी बोल रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम हमारे गांव से निकल चुके हैं और देख सकते हैं कितना हरा भरा है चारों ओर। ये है हमारे रतनगढ़ का पुल। तो पुल से होते हुए हम जाएंगे, दिखाते हैं रास्ते का व्यू। सुजानगढ़ की हाईवे की ओर हम निकल चुके हैं रतनगढ़ से। अभी यहाँ पे हम रुके हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो रास्ता जाता है ये सुजानगढ़ और रतनगढ़ की ओर। ये सुजानगढ़ की जाएगा ना, बताओ दर्शकों को कि भाई ये सुजानगढ़ जाता है। सुजानगढ़ जा रहा है, ये दर्शनगढ़ जा रहा है। दर्शनगढ़ अच्छा, और ये आ रहा है यहाँ से रतनगढ़ से। तो यहाँ पे जूस वाला है, जूस वाला नहीं है क्या? हाँ, गन्ने का जूस वाला है। देख सकते हैं गाइस कितना शानदार व्यू आ रहा है और आगे आ रही है एक फाड़ी। तो कितना जबरदस्त मैंने जूम किया इसको, देख सकते हैं ऊपर एक मंदिर भी बना है इस फाड़ी की। तो दोस्तों अब दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन है। मेरे साथ मनीष है, बलदेव है और ये चाचो जी है। तो सब के सब हम एक क्रूजर के अंदर बैठे हैं और जा रहे हैं बात के लिए। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं आपसर गांव के अंदर, हमारा बात आया है और मनीष आया मेरे साथ और बलदेव है। हम एक ही गाड़ी में आए थे और इंद्र वाले में यहां पे देख सकते हैं ये हमारे दादा दादी दादा सारे बैठे हैं यहां पे। तो यहां पे राकेश भैया है जो चाय वितरण कर रहे हैं। वो कुर्सी बैठी है ले। नमस्कार साथियों, हम पहुंच गए हैं हमारे बुआ जी के गांव और ये हमारे भाई है जिनका नाम शंकर है और इन्हीं की शादी है। तो और भाई कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहे ना। तो एक और भाई इनसे भी मिलाएंगे। तो ये शंकर भाई जी हैं बड़े वाले। बैठे हैं मनीष साथ है मेरे। कैसे आप सभी लोग? और भाई जी बताओ क्या हाल चाल है सारा? बस बढ़िया भाई। अब देखो नींद रात जागरण लगाया था, थोड़ा सा क्या नींद को ना उधर को है। तो इनकी बारात जाएगी तो दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू। देख सकते हैं ये इनका घर है। अभी जो बात का जो प्रोग्राम है वो होने वाला है। अब मिलाते हैं हमारे छोटे भाई साहब जिनका नाम है राकेश। और राकेश भाई बढ़िया है। तो दोनों भाइयों के साथ और एक सिस्टर भी के आज सिस्टर के ना और कल जाएगी बारात। तो देख सकते हैं इसके चेहरे पे कितनी स्माइल आ रखी है। तो सर आज आज की स्माइल है ये। फिर जिंदगी भर के बाद में स्माइल बंद हो जाएगी। तो ये एक ऐसे जंजाल में फंसने जा रहे हैं जो आप सोच सकते हैं जो साथी सुधा है जैसे में फंस चुका है। मेरे को पता है तो फ्रीडम नहीं है भैया, फ्रीडम का कोई रोल नहीं रहेगा आपको एकदम से। लास्ट डे ऑफ फ्रीडम बताइए आपको। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं बात के अंदर, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज्यादा भीड़ भी हो चुकी है। यहाँ पे हमारे जो ताऊ जी हैं वो बुआ जी को जो चुनर लेके आए हैं वो उड़ाएंगे।
भाई के और पे खड़ा है। तो महेंद्र है जो अभी खाना खिलाएगा सब। क्यों महेंद्र? तो सलाद वगैरह यहाँ पे रखी है, वहाँ पे मिठाई वगैरह रखी गई है। और ये भैया भी जिमा है, यहाँ से ही हो गया ये काम। ये सेवा पानी में लगी हुई है अभी। क्या बात है, सेवा पानी से गर्मी ज्यादा होने के बजाय यहाँ पे देख सकते हैं सभी के जो होश है वो अभी चल रहा है प्रोग्राम। सारी सब कुछ हो गया है, अब ठंड हो गया। तो महेंद्र है जो सेवा पानी लाए। क्यों महेंद्र? दादाजी भी खेल लाए। राम राम दादाजी। ये खाने खा रहे हैं देखो। तो गाइस अभी हो गई है शाम और हम आ गए हैं घर पे। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। कमेंट करना जरूर बताएगा कि आज का ये ब्लॉग कैसा लगा।